कुछ समय पहले एक फिल्म आई है शाहरुख खान की, इसमें एक डायलॉग है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, तो वो कहीं ना कहीं आपको टारगेट करके किया गया, ऐसा परसेप्शन सबके दिमाग में रहा? जो शब्द है वो डायलॉग के बड़े रोड साइड टाइप, हमारे भारतीय संस्कृति ये शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं करती है। ये क्यों नहीं पूछते कि आपकी टीम पे कितने हमले हुए हैं, कितने बार आप लोग सीरियस हेड इंजरी हुई है, कितने बार आप लोगों को बॉडी इंजरी हुई है? वो टाइम पे जब खून बहता है, लहू बहता है, तभी ये पूछा नहीं जाता कि समीर वानखेड़े महार समाज से, बौद्ध समाज से है क्या, मुस्लिम समाज से। हर गर्व से राष्ट्र माँ की, अपने भारत माँ की सेवा किया हूँ, सर उठाकर और गर्व से किया हूँ, मुझे क्षण क्षण का कोई भी रिग्रेट नहीं है, 1% का रिग्रेट नहीं है। विद मालाफाइड इंटेंशन अगर मेरे पर एलिगेशन करता तो वो मेरे लिए एंटरटेनमेंट होता है, दैट इज एन एंटरटेनमेंट फॉर मी। वो टाइम पे तो काफी आरोप लगे थे मेरे ऊपर, क्या हुआ उस आरोपों का? मीडिया फ्रंट पे चलाती थी, समीर वानखेड़े डजंट हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट, ही डजंट बिलोंग टू दिस कास्ट। आज वो लोग कहाँ है और आज जो सवाल पूछने वाले कहाँ है? हमारे लिए तो सब केस सिमिलर होते हैं, जब संविधान की शपथ खाते हैं तो पक्षपात होता नहीं है केसेस में, तो कोई हाई प्रोफाइल लो प्रोफाइल केस नहीं होता है हमारे लिए। अगस्त 15 को 2021 को ही मुझे मेडल भी मिला बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए, पता नहीं सडनली 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि यू नो थिंग्स हैव चेंज्ड। एक चर्चा और भी थी बीच में कि आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इस तरह मैं इसे नहीं देखना चाहूंगा एक लिटिगेंट की तरह, ये मेरा न्यायिक अधिकार है, एक सामान्य नागरिक का अधिकार होता है कि जब भी कोई किस्म के आरोप प्रत्यारोप होते हैं तो एक अधिकार होता है रिप्रेजेंटेशन का, तो वो मैं कर रहा हूं। और रही बात एज एन अधिकारी की, अभी भी कार्यरत हूं और जब भी मुंबई आता हूं तो ऑफिशियल छुट्टियों पे आता हूं और अपने आप को न्यायालय के सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। लेकिन जाहिर सी बात है, ठीक है, थोड़ा इश्यू होता है कि यही वक्त मैं जो देश के जो विरुद्ध लोग जो काम कर रहे हैं, ड्रग के खिलाफ काम कर रहे हैं, और अच्छी तरह ही ये 2 साल यूज कर पाता हूं। इन एनसीपी का जो वो दौर था जिस दौर में आप यहां पर जोनल डायरेक्टर थे, और एक आज का दौर है, न तो मीडिया में ज्यादा लाइमलाइट है और ना ही उस तरह की ज्यादा रेड्स और उस तरह की कार्रवाइयां एनसीपी की तरफ से हुई, तो चेंज कहां आया है, किस अप्रोच में आप देख रहे चेंज आ गई, कार्रवाइयां अचानक से आपके ज्यादा कम क्यों हुई, आपको क्या लगता है? देखिए, वो उस पर कोई मैं टिप्पणी, कोई भी व्यक्ति या कोई जो काम कर रहा है उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जब हमारा ध्येय था कि मुंबई महाराष्ट्र को नशा मुक्त करने का, तो उसी लगभग 1 या 1.5 साल में काफी केसेस हुए, आप प्रमाण भी जानते, काफी क्वांटिटी भी सीज हुई थी, लोगों को भी काफी लीगल कार्रवाई की गई थी। तो पहले जब एनसीबी में कार्यरत था तभी भी नशा मुक्त का एक ध्येय था, तो एनफोर्समेंट का रूप में हम लोग उसे क्लीन करते थे। अभी भी एक वही ध्येय है नशा मुक्त का, लेकिन अभी एनफोर्समेंट नहीं, अवेयरनेस के पार्ट में गांव गांव और जिले जिले में जाके एवरी सैटरडे संडे नशा मुक्त करने की कोशिश करता हूं। 2020 और उसके आसपास का जो दौर था 2-3-4 साल का, उस दौरान एनसीबी और एएनसी दोनों पे ये आरोप लगता था कि ज्यादा कार्रवाइयां नहीं हो रही, लेकिन जब एनसीबी की कार्रवाई बढ़ी तो एएनसी की कार्रवाई भी बहुत बढ़ गई। आजकल एनसीबी थोड़ी शांत लग रही है, एएनसी की कार्रवाई लगातार चली रही है, कभी पुणे में कुछ 1000 किलो ड्रग्स मिल रहे हैं, कभी अहमदनगर में कोई बड़ा एक कार्टेल ब्रस्ट किया जा रहा है, तो एएनसी अपना काम कर रही है, एनसीबी का काम रुका है, क्या लगता है, क्या कार्टेल तो चली रहा है? देखिए, वो कोई भी एजेंसी करे, मेरे को उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन जो कोई भी एजेंसी काम कर रही है, जैसे आपने अभी एएनसी के बारे में कहा, ये भी राष्ट्रीय सेवा और हमारे भारत को नशा मुक्त करने की कोशिश कर रही है। और महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे आप देखेंगे तो बड़े बड़े सीजर्स हो रहे हैं, तो ये देश के हित में, बच्चों के हित में और हमारे सबके हित में अच्छा काम हो रहा है। आपने जब एनसीपी में काम किया तो वो जो दौर था वो काफी विवादास्पद दौर रहा, आरोप काफी लगे, खासकर पॉलिटिकल फिगर्स जो थे ना, चाहे उस समय का सत्ता पक्ष रहा हो, जिसमें मंत्री नवाब मलिक से आपकी सीधी लड़ाई भी हुई, एक आधा बार कहा सुनी भी हुई पत्रकार परिषद के माध्यम से, तो वो जो दौर था उस दौर में आपके जो आरोप लगते थे, आज आप उन आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो केस के संदर्भ में तो बात नहीं करूंगा जो न्यायालयिक है, लेकिन बहुत ही घटिया प्रकार के आरोप भी होते थे, जैसा कि एक व्यक्ति है, उसकी कास्ट क्या है, उसकी जात क्या है, उसके माता कौन है, उसके पिता, बहुत घटिया किस्म के आरोप लगते थे। तो यही मैं देश की जनता और मीडिया को यही बताना चाहता हूँ, वो टाइम पे तो काफी आरोप लगे थे मेरे ऊपर, क्या हुआ उस आरोपों का? 1 साल के बाद में कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी, हमारे जो माननीय, जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी माननीय,
उसकी तरफ से जो सच्चाई एक साल के बाद आई, लेकिन उस एक साल में तो काफी आरोप लगना और ये सब प्रताड़ना वगैरह, ये सब काफी चीज हुई। तो आज आरोप के हुए क्या वो चीज के? मीडिया फ्रंट पे चलाती थी समीर वानखेड़े डजंट हैव अ कास्ट सर्टिफिकेट, ही डजंट बिलोंग टू दिस कास्ट। आज वो लोग कहां है और आज जो सवाल पूछने वाले कहां है? तो जाहिर सी बात है कि घटिया प्रकार के, गंदे प्रकार के आरोप लगे, उससे निवारण भी हुआ, लेकिन उससे मुझे लगता है कि मेरा जो पॉजिटिव टाइम था और जो क्रिएटिव एक टाइम था कि देश की सेवा में और एक साल कर सकूं मैं, तो वो चीज वेस्ट हुई मेरी। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का आरोप तो आपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पे भी लगाया जिन्होंने आपसे सवाल जवाब किए थे आरोप लगने के बाद, तो उनका जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था वो और जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन किया गया कास्ट के आधार पर, उसको किस तरह? देखिए रंजीत जी, कास्ट तो मैंने कभी, आज तक मेरी 18 साल की सर्विस में मैंने तो कभी लाया नहीं था। 2021 के पहले किसको पता भी नहीं था कि कौन है, क्या है, क्या अधिकारी है। जो कोई भी थोड़े बहुत लोग जानते थे सिर्फ के एक अच्छा अधिकारी जो राष्ट्रीय सेवा करते, यही थोड़े बहुत लोग जानते थे। कास्ट तो कुछ लोगों ने बीच में लेके आई है। मैं तो समीर वानखेड़े सिर्फ एक आईआरएस ऑफिसर के नाम पे जाना चाहता था, कुछ लोगों ने इसको लेके आए हैं। जब लेके आए हैं तो फिर मैं अपना अधिकार जरूर इसके बारे में और जो प्रताड़ना हुई है उसके बारे में जरूर न्यायालय से मदद मांगूंगा इस बारे में। इतना तो हम जानते हैं कि आप केस की मेरिट पे बात करने के लिए फिलहाल उस स्थिति में नहीं होंगे, आप केस की मेरिट पे बोल पाए, लेकिन केस का जो प्रोसीजरल हिस्सा है, जैसे केस किस कौन कौन से केसेस हैं आपके जो पेंडिंग है मुंबई की कोर्ट में या दिल्ली कोर्ट में, अगर उनकी आप जानकारी हमें दे पाए कि फिलहाल किस स्टेज में है सारे केसेस? देखिए रंजीत जी, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा केसेस के बारे में क्योंकि मैं वहां पर कार्यरत नहीं हूं अभी। तो दरअसल डेट्स पे क्या क्या फाइल आपने किया? नहीं, जितना मुझे, अगर आप कह रहे हैं जितना मुझे एक नॉर्मल, क्योंकि 2-3 साल हो गए इस चीज को, तो मुझे याद है कि 2020 से लेके 21 तक लगभग 357 अरेस्ट हुए थे गैंगस्टर्स और पेडलर्स के, और लगभग कुछ 120 से ज्यादा केस उस साल हुए थे, वो याद है मुझे। इतने ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत माइनर, लेकिन दिस इज द फिगर्स। आपने जो कार्रवाई की एनसीबी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, आपको जब यहां से ट्रांसफर किया गया, आपको जब यहां से हटाया गया एनसीबी से, उसके बाद आपकी तरफ से और आपके ऊपर जो लिटिगेशन है डिपार्टमेंट के लिए, उनका स्टेटस फिलहाल क्या है, कहां कहां लिटिगेशन है? हाँ, लगभग ये कुछ माने न्यायालय मुंबई हाईकोर्ट में है, यहाँ पर 2 या 3 केसेस हैं, और माने न्यायालय दिल्ली हाईकोर्ट में भी कुछ केसेस पेंडिंग है, पटियाला कोर्ट में भी कुछ पेंडिंग है, तो लगभग फिर माने न्यायालय कैट के सामने भी पेंडिंग है, अराउंड 7-8 केसेस हैं मेरे साइड से भी और सामने के भी साइड से। तो मुझे कोई, लेकिन इसमें कोई भी आई डोंट फील एनीथिंग अबाउट इट कि एक कार्रवाई करने पे आपके पर 7-8 प्रकार की एजेंसीज और 7-8 प्रकार के केसेस, सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये जरूर न्याय है इस सरकार पे भी और हमारे जो एक भक्कम न्याय प्रणाली है उस पे भी कि न्याय जरूर मिलेगा। शायद हम कोर्ट में पे हमने देखा कि जब मामला सुनवाई के लिए आया तो पिछली कई सुनवाईयों में ऐसा हुआ, हम देखते रहे कोर्ट में लगातार रहते हुए कि सुनवाई नहीं हो पाती है और सीबीआई या ईडी के जो वकील हैं सरकारी वकील, वो अवेलेबल नहीं रहते, किसी कारण से वो अनुपस्थित रहते तो मामला टल जाता है। आज भी वही हुआ, तो टाइम लंबा खिंच जा रहा है, आरोप आप पे लगाए गए लेकिन आरोप कोर्ट के सामने नहीं आ पा रहे हैं। मैं यही पहले भी ट्राई कर रहा था, मैं अनुरोध भी ये चीज की मैंने किया था कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, क्योंकि जब कुछ आरोप लगते हैं तो मैं भी उसका जवाब बहुत ही इतनी इक्वल एक्साइटमेंट में देना चाहता हूं, इक्वल अप फोर्थ होकर देना चाहता हूं। कभी कभी डिले होता है तो निराशा भी जरूर होती है, लेकिन ये प्रक्रिया होती है और फाइनली जैसा मैंने आपसे कहा है कि बहुत ही भारत की हमारे बहुत ही स्ट्रांग न्याय प्रणाली है, तो न्याय मिलेगा, थोड़ी देरी होगी लेकिन जरूर मिलेगा। ईडी और सीबीआई के जो केसेस, दोनों कनेक्टेड केसेस है, सीबीआई के केस को प्रेडिकेट ऑफेंस बनाया है ईडी ने, तो आपने दोनों ही मामलों को चैलेंज किया, तो उन केस की मेरिट्स पे नहीं, लेकिन आपकी जो भूमिका है इन केसेस में, जो आप कहना चाहते हैं वो हमें कह सकते हैं? केस की मेरिट्स पे बात नहीं करें तो भी चलेगा? देखिए केस के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन वो एजेंसी अपनी काम कर रही है, जो उनको जो लिख के भेज देते हैं, एनीथिंग इन राइटिंग देते, तो उनको वो भी वेरीफाई करना पड़ता है, तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में, वो अपना काम करे, मैं मेरा काम करूंगा। एक चीज आपसे हम और जानना चाहेंगे कि आप चूंकि इस तरह के कई सारे केसेस हैं जिनकी समस्या में तारीख पड़ती है, कभी हफ्ते भर बाद, कभी 2 हफ्ते बाद, तो आप एक सर्विंग ऑफिसर है, तो कभी दिल्ली की कोर्ट, कभी मुंबई की कोर्ट छुट्टी लेके आपको आना पड़ता है। बिल्कुल। तो अगर ये केसेस जल्दी निपटेंगे तो शायद सरकार का भी फायदा होगा, या सरकारी अधिकारी को बार बार छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये बात सही है कि थोड़ा जो छुट्टियां लेनी पड़ रही है और राष्ट्र की सेवा में ज्यादा समय मेरा जाएगा इसमें, तो ये जरूर है कि थोड़ी दिक्कत होती है छुट्टियों के लिए भी, और समय भी इस चीज में जाता है,
और विशेषता आपको जब ये लगता है कि जब आप निर्दोष होते हैं और उसके बावजूद भी आपको करना पड़ता है, बट नंदलेस जितना भी देरी हो न्याय जरूर मिलेगा, आशंका है मुझे, बिल्कुल आशंका नहीं है कि न्याय नहीं मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। एक चर्चा और भी थी बीच में कि आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह राजनीति में आना भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है, बैकअप डिमांड कि आप राजनीति में आकर के भी अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो उस विषय में कुछ कहेंगे? देखिए देखिए, ये जो कल के बारे में भविष्य में क्या होना है, क्या लिखा है, वो किसको पता नहीं होता है। हमें कल क्या होने वाला है वो नहीं पता होता है, लेकिन सिर्फ जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि पहले भी राष्ट्र सर्वोपरि मेरा जो सिद्धांत है, हम सबका सिद्धांत वही है, तो किसी भी रूप और रेशा में राष्ट्र की सेवा करूं। अब एक अधिकारी हूं, कार्यरत हूं, आगे क्या होगा वो सिर्फ भगवान और नियति जानती है। मतलब आप इनकार नहीं कर रहे हैं वाले? नहीं, मैं यानी आगे की भविष्यवाणी कैसे करूं मैं, तो उस बारे में कुछ अभी नहीं कह सकता मैं, बहुत जल्दी है इस बारे में। आपके डिपार्टमेंट में काफी लोग हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहे थे उस दौरान भी, ऐसा आपका उस समय आरोप लगाया आपने जब आपकी जांच शुरू हुई, अभी भी है क्या आप मानते हैं कि डिपार्टमेंट के लोग आपके खिलाफ हैं, जो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन या जो मामले चल रहे हैं डिपार्टमेंट के लोग कहीं ना कहीं कोई ग्रज आपके खिलाफ लेकर के आपके विरुद्ध काम कर रहे हैं? देखिए, जो जो चीजें जिन चीजों ने आघात की है, जो जो चीजें पीड़ित करी है मुझे, मेरे परिवार को, तो उन सबके खिलाफ मैं न्यायालय में मैंने अप्रोच किया है, और वेट कीजिए, न्यायालय जो आदेश देगा उससे पूर्ण तरह मानेंगे और इस चीज के लिए लड़ेंगे। उस समय आपने जो केसेस किए उसमें कई केस चर्चा में रहे, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत का केस एक बहुत अहम केस था, दो केसेस थे 15 of 2020 और 16 of 2020, इन दो केसेस से काफी ज्यादा लाइमलाइट में आया एनसीबी और आपके नाम की भी काफी चर्चा, आप उनसे उस समय बात भी करते रहे, तो उन केसेस की फिलहाल क्या स्थिति है, केस नंबर 15 of 2020 और 16 of 2020? देखिए, जैसा मैंने कहा है कि इन दोनों केसेस के बारे में मुझे कुछ जानकारी है नहीं, अभी 3 साल हो गए एनसीबी छोड़ के, और केस नंबर जो 15 आपने जो कहा है उसमें तो कभी मैं था, मुझे कुछ उस बारे में नॉलेज भी नहीं है। आई हैंडल्ड केस नंबर 16, तो वो उसमें काफी अरेस्ट भी हुए थे, कुछ सीजर्स भी हुए थे, और मामला सेशंस कोर्ट के सामने है, अभी एनडीपीएस कोर्ट के सामने है वो। आपका पूरा मामला होने के 15 और 16 2020 होने के बाद जो सबसे बड़ा मामला चर्चा में आया, जिसके नाते पूरा डिपार्टमेंट कंट्रोवर्सी में आया, आप पे आरोप लगे, वो था आर्यन खान का केस। उस केस में आप पे लगा कि आप शाहरुख खान के बेटे हैं, इसलिए आपने उनको टारगेट किया और इसलिए पूरा केस तैयार किया गया, पर आज वही मामला है जो विवाद इतना लंबा खींच गया कि आपकी सर्विस तक पे बनाइए एक तरीके से देखा जाए, तो उस मामले को आप अपने लिहाज से कैसे देखती है, जब वो मामला शुरू हुआ और किस तरीके से आगे बढ़ा, उस पर आप जितना भी हमें बता पाए? नहीं, देखिए रंजीत जी, मेरे लिए सब केस एक तरह है, ये पुल्स, प्रेशर्स, ये आरोप प्रति आरोप, ये मेरे करियर में पहले से चलते आए हैं, तो जब भी ऐसा कोई सो कॉल्ड सब हमारे लिए तो सब केस सिमिलर होते हैं, जब संविधान की शपथ खाते हैं तो पक्षपात होता नहीं है केसेस में, तो कोई हाई प्रोफाइल लो प्रोफाइल केस नहीं होता है हमारे लिए, हमारे सामने सिर्फ तथ्य होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, तो उस चीज से मुझे कोई फर्क भी नहीं ज्यादा पड़ा है, और ऐसा कुछ नई चीज हुई है ऐसा भी नहीं पड़ा है मुझे। और उसी साल मेरे ख्याल से, जब मेरे ख्याल से अगस्त 15 को 2021 को ही मुझे मेडल भी मिला बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए, पता नहीं सडनली 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि थिंग्स हैव चेंज्ड। उसके तुरंत बाद कुछ समय पहले एक फिल्म आई है शाहरुख खान की, जिसमें एक डायलॉग है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, तो वो कहीं ना कहीं आपको टारगेट करके किया गया, ऐसा परसेप्शन सबके दिमाग में रहा क्योंकि आप आर्यन खान के साथ सीधे ऑन लॉगरहेड्स थे। देखिए, मैं किसके साथ लॉगरहेड्स, कभी मैं मेरी सिर्फ ड्यूटी कर रहा हूं पहली बात, तो मेरा कोई ऐसा पर्सनल या ऐसा कोई किससे कुछ भी वो जो कोई एक बंदा होता है जिसके ऊपर आप एक्शन लेते हो, सो और बाकी के वैसे बहुत जनों पे कानूनी कार्रवाई करते हैं अधिकारी, तो ऐसा कोई पर्सनल किसके साथ में नहीं है, लेकिन ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग तो मैं मूवीज बहुत कम देखता हूं और ये भी नहीं जानता हूं कि किस पे क्या, ये तो सिर्फ मीडिया 2-3 पेपर्स में मैंने देखा है, लेकिन जो शब्द है वो डायलॉग के बड़े रोड साइड टाइप, हमारे भारतीय संस्कृति ये शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं करती है, थोड़े सम्मान से एक दूसरे के साथ भारतीय संस्कृति सिखाती है, तो डायलॉग थोड़ा मुझे बहुत ही घटिया प्रकार का रोड साइड लगता है। डिपार्टमेंट में जब कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ी हुई, कुछ ऑफिसर्स को टर्मिनेट किया गया, कुछ को सस्पेंड किया गया, कुछ की गिरफ्तारी तक भी बात आ गई थी, तो जो ऑफिसर्स थे वो हमेशा ये क्लेम करते रहे कि वो राइट थे, अपनी जगह सही थे,
ऊपर के जो लोग थे अधिकारी लोग उनके आदेश पे काम कर रहे थे, फिर भी जब उनपे बंद की आई तो डिपार्टमेंट ने साथ नहीं दिया, आप भी उनमें से एक थे, तो कुछ रंज है डिपार्टमेंट का सहयोग ना मिलने को लेकर? देखिए कोई मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने कहा है कि जो जो मेरे यू नो प्रॉब्लम्स होंगे, जो मेरे इश्यूज होंगे, जो मुझे लड़ना है मैं न्यायालय में लड़ूंगा, मैं आई वुड नॉट लाइक टू मेक एनी स्टेटमेंट इन दैट। और ये सब मामले न्यायालय के सामने अभी समाधीन है और उसमें वी एक्सपेक्ट के वी गेट सम यू नो डिसीजन इन दैट एंड जस्टिस इन दैट। लेकिन फिर भी डिपार्टमेंट के जो लोग थे कहीं ना कहीं आपको टारगेट किया फॉर सम रीजन फ्रॉम सर्टेन पीपल, ऐसा लगा? मैं उस बारे में कुछ टिप्पणी रंजीत साहब नहीं करना चाहूंगा। लेकिन सर आज जो आपके केसेस जिस स्थिति में है, अगर ये आपके खिलाफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सर्विस और आपकी लाइफ दोनों स्टेक पे है इन केसेस के चलते, तो कभी ना कभी तो आपको बोलना पड़ेगा। जरूर, जब अगर न्यायालय जिस दिन मुझे परमिशन मिल जाएगी मुझे, क्योंकि अभी एक आप जानते हो एक हलफनामा भी मैंने सबमिट किया है और सामने न्यायालय का भी आदेश है कि मीडिया में इस केस के संदर्भ में मैं बात नहीं करूंगा, तो जैसे ही उसका निवारण हो जाएगा, जैसे ही उसका आउटकम आ जाएगा, मैं जरूर बात करूंगा देश के सामने। हाँ, लेकिन एक जो नवाब मलिक का केस था हमारी जानकारी में, वो इस लिटिगेशन का हिस्सा मेरे ख्याल से नहीं है, जो उनके दामाद को बिल्कुल बिल्कुल उस केस की मेरे साथ अगर हम से बात करें, वो केस क्या था और आपके क्यों आरोप लगे उस केस में, क्या लगता है? देखिए वो केस तो अगेन सेशंस कोर्ट में अभी भी पेंडिंग, एनडीपीएस कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें एग्जैक्टली अभी ट्रायल हो रहा है नहीं हो रहा है नॉट आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन हाँ जरूर इतना पता है कि कुछ कार्रवाइयां हाईकोर्ट से भी कुछ परमिशंस रिजेक्ट हुए और अभी सेशंस कोर्ट में केस चल रहा है वो। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि यू नो जो जब ट्रायल पे मैटर चलता है तो वो अधिकारी जिसने केस बुक किया उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बेसिकली। एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि आर्यन खान केस हो या जो उससे पहले के केसेस थे, केस नंबर 15 ऑफ 2020 और 16 ऑफ 2020, उनमें बहुत सारे आरोप लगे थे कि पैसे की लेन देन हुई है, चाहे किसी को गवाही के लिए बुलाया गया हो, चाहे किसी को आरोपी बनाने की बात रही हो, हर मामले में पैसे का लेन देन चलता और खुलेआम चलता था, ऐसे आरोप हर तरफ से लगते थे। उस पर आपको स्टेटमेंट करना चाहेंगे जो पैसे के लेन देन का आरोप लगातार सारे बड़े हाई प्रोफाइल केसेस में लगा एनसीबी उस दौर के? देखिए मुझे तो जितना मुझे पता है कि मैं सिर्फ क्राइम नंबर 16 हैंडल किया था और उसमें तो उसी केस में नहीं, बाकी के जितने भी केसेस हमने बुक किए हैं विथ ऑल ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी विथ ऑल हार्ट हमने काम किया, तो मुझे ये चीज में और बाकी का दूसरा केस के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे इस केस के बारे में पता नहीं है जो आप कह रहे हैं फिल्म सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। और रही बात, मैं यही सिर्फ लोगों को पूछना चाहता हूं कि जो ऐसे गंदे प्रकार के आरोप लगाते हैं, यू नो जो बात उगती है या आरोप लगते हैं, तो ये शायद ये क्यों नहीं पूछते कि आपकी टीम पे कितने हमले हुए हैं, कितने बार आप लोग सीरियस हेड इंजरी हुई है, कितने बार आप लोगों को बॉडी इंजरी हुई है, कितने हार्डकोर पेडलर्स को आपने पकड़ा, कितने बच्चों को आपने रिहैबिलिटेट किया, कितने रेसिडेंट एसोसिएशन की प्रॉब्लम आपने सॉल्व किए। लोग सिर्फ एक केस के बारे में बात करते हैं और उस पर सिर्फ टिप्पणी करने के लिए जाते हैं। चलिए हम आज पूछता था, बताइए इस तरह के जो आप इंसिडेंस बता रहे हो, आपकी टीम पे फिजिकल अटैक्स हुए, वर्बल अटैक्स हुए, और जब आप रिहेबिलिटेशन के लिए कहीं जाते हैं तो किस तरह के चले, अगर आप वो एक्सपीरियंस बस शेयर करें तो भी हम सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल जरूर, और ये भी वो टाइम पे जब खून बहता है, लहू बहता है, तभी ये पूछा नहीं जाता कि समीर वानखेड़े महार समाज से, बौद्ध समाज से है क्या, मुस्लिम समाज से है, ये भी कोई पूछता नहीं है जब एक संघटनाओं से, जब एक पेडलर लोगों से कोई लड़ता है। तो बस जो लोग को आरोप लगाना घटिया और गंदे प्रकार के आरोप लगाते हैं, लेकिन निश्चित ही इससे हम लोग जीतेंगे और न्याय मिलेगा हमें। रही बात, दो तीन अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं देश की राष्ट्र की सेवा में, एक तो जैसा कि एक डोंगरी में एक फैक्ट्री बस्ट हुई थी तो वहां पर भी अच्छा कार्रवाई हुई थी, जहां पर वेपन्स मिले थे, 12 किलो ड्रग्स मिला था, 2.5 करोड़ कैश मिले थे वो टाइम पे, काउंटिंग मनी काउंटिंग मशीन मिली थी, तो वो एक अच्छा केस हुआ था। उसके बाद में गोरेगांव में भी कुछ टीम पे हल्ले हुए थे, अराउंड 50 से 60 जनों ने टीम पे हल्ला कर दी थी, 4-5 लोग थे उस टीम पे, डिस्पाइट दैट एलएसडी का सीजर हुआ था और जो पेडलर थे उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद में भी मानखुर्द में कुछ नाइजीरियन गैंग्स थे तो वहां पर भी टीम ने काफी अच्छी तरीके से हमारी काम की थी, उसमें एक अधिकारी को जानलेवा हमला भी हुआ था, सीरियस हेड इंजरीज आई थी, काफी ब्लड लॉस हुआ था, डिस्पाइट दैट लगभग 1.5 करोड़ का ड्रग्स भी सीजर हुआ था, वेपन सीजर हुआ था और कुछ फॉरेन गैंगस्टर्स जो ड्रग में सी यू नो एक्टिविटीज करते उन्हें भी अरेस्ट किया गया था।
तो बहुत सारे ऐसे लगभग 14 या 15 गैंग्स को उस समय हमारी टीम ने यू नो लीगली उनके ऊपर कार्रवाई की थी। तो वो टाइम पे कोई इस बारे में किसने कोई पूछता नहीं, जस्ट जो हमारे यू नो करियर के छोटे छोटे केसेस होते उस बारे में लोगों को ज्यादा दिलचस्पी होती कुछ लोगों को। आपने जो कहा क्या उससे अंदाजा लगा कि आप आर्यन केस और जो बाकी स्टार्स केस को छोटा केस मानते बाकी कंपैरिजन में? देखिए सब काम एक ही होता है, चाहे वो 1 ग्राम पकड़े या 1 टन पकड़े। हम तो ये भी कि कुछ कुछ जिम्मेदार लोग भी ये कहते थे कि सिर्फ ग्राम्स पकड़ते हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा उनसे कि हमने 6 टन भी पकड़ा है एक टाइम पे और लगभग टोटल अभी तक 17,000 किलो ड्रग्स का सीजर कर चुके हैं। तो का बता रहे हैं आप? मैं मेरे टेन्योर का, मैं मेरे करियर का बोल रहा हूँ, अराउंड 17 टन ऑफ ड्रग्स वी हैव कॉट। सो और दूसरी बात है कि ये भी कभी कभी लोग क्रिटिसाइज हमें करते हैं कि एनसीबी, जब मैं एनसीबी में था तो हमारा काम ग्राम पकड़ना नहीं है, ये तो हमने उसमें वो टाइम पे भी टन्स में भी पकड़ा है और ग्राम्स में भी पकड़ा है। अगर एनडीपीएस एक्ट ड्रग्स को हर प्रकार से प्रोहिबिट करता है तो चाहे 1 ग्राम हो या 1 टन हो, पकड़ना तो पकड़ना है। और जो गरीब घर में, जो परिवार में जब बच्चा ड्रग्स पीता है तो वो टन्स नहीं पीता है, ग्राम पकड़ता है, ग्राम पीता है। तो एक जिंदगी बचाने के लिए चाहे वो 1 ग्राम हो या 0.1 ग्राम हो, हम लोग कार्रवाई करेंगे इस पे, कर जो किया वो सही कार्रवाई की। आपको लगता है कि आपका जो एनसीबी का टेंडर था आपको उसको लेके कोई रिग्रेट नहीं है? आपने जो कुछ चाहा जितना चाहा उतना किया आपने? मुझे मेरे पूरे जीवन में कोई भी चीज का रिग्रेट नहीं है। हर गर्व से राष्ट्र माँ की, अपने भारत माँ की सेवा किया हूँ, सर उठाकर और गर्व से किया हूँ। मुझे क्षण क्षण का कोई भी रिग्रेट नहीं है, 1% का रिग्रेट नहीं है। आपसे काफी कुछ जाना, आप चूंकि हर चीज कह रहे कि केस के मेरिट्स में शामिल है तो आप उस पर बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके जो एलिगेशंस हुए हैं पॉलिटिशियंस ने किए हैं, फिल्म स्टार्स ने किए हैं, कुछ सोशलाइट्स लोगों ने भी किए जो सोसाइटी में बड़े नाम रखते हैं, पेस्ट्री के लोग, उनका जो एलिगेशन था आप उसको पर्सनल देखते थे या इन जनरल कवर देखते? वो मैं नहीं, वो एलिगेशंस मुझे, देखिए मैं एक सरकारी अधिकारी हूं तो लोगों का दायित्व बनता है प्रश्न उठाने के लिए, तो मैं उसका अच्छी तरीके से जवाब भी दे चुका हूं। रिगार्डिंग बाकी के भी जो जो मेजर एलिगेशन, सबका जवाब दे चुका हूं, ऐसा नहीं है कि कोई जवाब नहीं दे चुका हूं। लेकिन जब कोई विद मालाफाइड इंटेंशन अगर मेरे पर एलिगेशन करता है तो वो मेरे लिए एंटरटेनमेंट होता है, दैट इज एन एंटरटेनमेंट फॉर मी, और मैं उसे एंटरटेनमेंट की तरह ही देखता हूं। अब यहां से आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? तमाम सारे लीगल केसेस हैं आपके पास, सरकारी नौकरी में आप हैं, आपकी वो जिम्मेदारी भी है, फैमिली भी आपके साथ है और आपकी फ्यूचर एस्पिरेशंस भी हैं, एम्बिशंस भी होंगी, तो कैसे मैनेज करेंगे चीजों को यहां से? देखिए पहले क्या था कि अपने भारत माँ के लिए लड़ रहा था, राष्ट्र के लिए लड़ रहा था। अभी जो आदमी राष्ट्र के लिए लड़ सकता है वो अपने लिए भी बखूबी तौर पर लड़ सकता है, तो मैं अभी अपने लिए लड़ रहा हूं, अपने समाज के लिए लड़ रहा हूं, अपने परिवार के लिए लड़ रहा हूं और अपने सम्मान के लिए लड़ रहा हूं। तो जो राष्ट्र के लिए लड़ सकता है तो ये चीजों के लिए भी लड़ सकता है और बखूबी लड़ सकता है। आप हर चीज पे बोलना टाल रहे हैं लेकिन एक चीज पे तो आपको बोलना पड़ेगा कि जो रिश्वतखोरी के आरोप बार बार लगे आपकी टीम पे कि जो पैसे लिए गए, आप पे लगे कि आपने लिए, केस मेरिट्स पे मानता हूं उसको कोर्ट में ही बोलेंगे आपको, लेकिन फिर जो आरोप लगे, एक स्टेटमेंट तो आपको करना पड़ेगा कि आखिर उन आरोपों में पिछले 18 साल में एक भी आरोप नहीं लगे, सिर्फ एक केस में आरोप लगे मेरे ऊपर। पिछले 18 साल से सर्विस में कार्यरत हूं मैं और आरोप लगे, ठीक है आरोप जब लगे हैं तो जवाब देंगे, डट के इसका मुकाबला करेंगे आरोप का। हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और बाकी कोर्ट में जो केसेस हैं, आप कब तक उम्मीद करते हैं कि केसेस खत्म होने चाहिए? आपको लगता है कि मैं अच्छा। मेरी तो ये रंजीत जी, मेरी तो ये आकांक्षा है कि जल्द से जल्द ये इस चीज का निवारण हो और जल्द से जल्द मैं अपने भारत माँ की सेवा करूं। क्या आप उन केसेस खत्म होने आपसे डिटेल में बात करेंगे, मेरिट्स में बात करेंगे? बिल्कुल, अगर जैसी केस का निवारण हो, मैं आपसे यही एक यू नो आई वुड गिव अ प्रॉमिस टू यू कि यही जगह पे, इसी घर में, यहाँ पर ही आपसे फिर से रूबरू बात करेंगे विद डिटेल्स। इफ थिंग्स गोज अगेंस्ट यू देन आल्सो। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।